अरे बाबा इतना गुस्सा क्यों? कुछ तो बोलो। क्या बोले यार, बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर बुलाए किस लिए हो? तुमसे ब्रेकअप करने के लिए। पागल ओगल हो गई हो क्या? तुमको पता है क्या बोल रही है? हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। हद है यार, उस दिन तुम अभी आता हूँ कहकर चले गए थे। अरे क्यों गए हो, कहाँ चले गए हो, वापस आओगे या नहीं आओगे मुझे ये भी मालूम नहीं था। तुम जरा सा भी सोचे मैं अकेली वहाँ पर क्या करूँगी। मुझे बोल देते कि मैं पसंद नहीं हूँ और चले जाते, ब्रेकअप हो जाता। एक साल तुम्हारे लिए रोती और फिर तुम्हें भूल जाती। तुम्हें मैं अपनी दुनिया मानने लगी थी और तुम मुझे छोड़कर चले गए। नूर, मैं अंदर से टूट गई हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे? यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उसे मुझे एक महीने के अंदर कंप्लीट करना है, और वह एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए मैं थोड़ा पहले से ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ। और उस दिन अचानक कॉल आ गया मीटिंग के लिए, इसलिए मैं तुम्हें बिना बोल के चले गए। इसके लिए सॉरी। हाँ मुझे पता है, तुमको ये सब बोलने से तुम्हारे पास हजारों बहाना है। तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो, मेरे लिए कुछ करते हो? हम अपने लिए करते हैं। तुम सिर्फ अपने लिए समय निकालते हो, मेरे लिए कभी निकाले? मैं जब भी तुमको कॉल करूँ कभी भी ढंग से कॉल रिसीव किए हो? हर समय काम 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 लगा रहता है। तुम अपने मन से कहीं लेकर गए हो मुझे जब तक मैं ना बोलूं? अच्छा बाबा, बस प्रोजेक्ट का काम खत्म कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें पूरा इंडिया शेयर कराएंगे। ओके, अब गुस्सा थूक दो प्लीज। सॉरी सॉरी। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। बस कर, अब रुलाएगी क्या पगली। अरे बाबा मैं तुमको अभी कॉल बैक करता हूँ। नहीं, तुमको पता है कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे आज शॉपिंग करने जाना है। तुम अभी आओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं अभी मुर्शिद को भेज रहा हूँ, जो जो लेना है तुमको ले लेना, ठीक है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तुम आओ। अरे यार समझो तुम, अभी हम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बस और एक हफ्ता, उसके बाद मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, तुम मेरे लिए हमेशा बिजी रहते हो, जल्दी से मुर्शिद को भेजो। देखो सूफी, ऐसा कोई बात नहीं है। आ गए? हाँ। ठीक है चलो। कितने अच्छे हो, तुम अपने समय निकल कर मेरे साथ चले। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक्स। तुम अपना नंबर मुझे दे दो, जब भी मैं कहीं जाऊँ तुमको कॉल करूँगी और नूर को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, ले लो नंबर। मैं तुम्हें जब भी बुलाती हूँ तुम आ जाते हो, तुम बहुत अच्छे हो। नूर को कब से जानते हो? मैं उसे बचपन से जानता हूँ और हम दोनों बहुत बचपन से दोस्त हैं। तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। मन नहीं किया? हाँ मगर कोई मिली नहीं। मुझे गर्लफ्रेंड बनाओगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका और मेरा अच्छा दोस्ती है। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हो सकते? तुम कितने अच्छे हो, तुम हमेशा मेरे लिए टाइम देते हो, मेरे केयर करते हो। और वो नूर, वो अपने लिए अपने काम के लिए हमेशा बिजी रहते हैं। मुर्शिद आई रियली लव यू यार।
सूफी, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट का काम ख़त्म हो गया और मैं फर्स्ट रैंक में आया हूँ। बहुत खुश हूँ आज मैं सूफी। अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा मेरी प्यारी सूफी। चलो ज़्यादा कॉल पे बात नहीं करते हैं, कल डायरेक्ट मिलते हैं और पार्टी करते हैं। और हाँ, मुर्शिद को भी बोल दिए हैं। मुर्शिद भी आएगा ना? हाँ हाँ, चलो अब रखते हैं। ओके बाय, लव यू। बस मुझे सब पता है। मुर्शिद का फोन पर सूफी का SMS। हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हम क्या करते? आप मुझे कभी समय देते थे? सिर्फ काम काम में बिजी रहते थे आप। काम काम काम, आज जो मैं ये सब कर रहा हूँ किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें खुश रख पाऊँ, तुम्हारा हर एक सपना पूरा कर सकूँ, हम दोनों का कल अच्छा हो। और हाँ, प्यार सिर्फ सड़कों और पार्कों में घुमाने से नहीं होता, प्यार दिल से किया जाता है और उसे मरते दम तक निभाने भी होते हैं। अरे मैं तो तुमसे अगले महीने शादी भी करने वाले थे। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, और शायद मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफ़ी की भी काबिल नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ नूर, प्लीज़। तुम माफ़ी की बात कर रही हो? मन तो कर रहा है तेरी जान ले लूँ। खैर, इसमें तेरी क्या गलती है? प्यार तो मैंने किया था तुमसे सच्चा। आज तो सामने हो, दोबारा कोशिश भी मत करना सामने आने की, नहीं तो जान ले लूँगी तेरी। और तुम्हें तो मैं अपना भाई की तरह समझता था, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। Thank you.